नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। महामंथन, जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का लखनऊ दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर, संघ समन्वय बैठक में शामिल होंगे अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी, उप मुख्यमंत्री समेत कई नेता शामिल होने वाले हैं। और सह स्तर कहवा दत्तात्रेय होस बोल होंगे शामिल। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और सर कार्यवाह आज इसमें शामिल होने वाले हैं, दत्तात्रेय भी शामिल होंगे। बता दें आपको कि बैठक में संगठन मंत्री रामलाल भी मौजूद रहेंगे। आरएसएस के सभी शाखाओं के प्रतिनिधि बुलाए गए हैं। लखनऊ के चिन्हट स्थित वाटर पार्क में ये बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां संघ समन्वय बैठक में अमित शाह शामिल होने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री समेत कई नेता शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इसमें दत्तात्रेय भी मौजूद होंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी का ये महामंथन आज देखने को मिलेगा। लगातार चुनावों के मद्देनजर बैठकों का मैराथन जारी है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आज लखनऊ दौरा है। लगभग 9:30 बजे तक ही अमित शाह लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहीं से सीधे लखनऊ स्थित आनंदी वाटर पार्क के लिए रवाना हो जाएंगे। लखनऊ के आनंदी वाटर पार्क में ही आज अमित शाह भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जितने भी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे, और जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। जिस तरीके से 2019 के चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है, उसमें किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, उस चीज़ को देखते हुए आज ये बैठक अहम मानी जा रही है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी आज अहम चर्चा हो सकती है। कौन से ऐसे नए नाम होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे और पुराने मंत्रियों की क्या कार्यशैली रही है, उन सभी चीजों को लेकर लगातार अमित शाह से आज चर्चा हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज ये रहेगी कि जिस तरीके से 2019 के चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, उसमें उत्तर प्रदेश का जो रोल है उसके रोड मैप को लेकर भी आज गहन चर्चा होगी। कैमरामैन सुम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर लखनऊ। तो आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का लखनऊ दौरा है, बेहद अहम दौरा, क्योंकि महामंथन यहां पर होने जा रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विक्रम सिंह राठौर इस वक्त लखनऊ से मौजूद है। विक्रम, अमित शाह पहुंचने वाले हैं, कब तक वो पहुंचेंगे और आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का लखनऊ दौरा है। लगभग 9:30 बजे तक की वो लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और अमौसी एयरपोर्ट से सीधे वो लखनऊ स्थित आनंदी वाटर पार्क के लिए रवाना हो जाएंगे फैजाबाद रोड पर, और वहीं पर ही आज पूरी सारी बैठकें होनी है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो सबसे पहले चरण में अमित शाह जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, संघ के जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन सभी के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सभी इसमें मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से लगातार 2019 के लिए जो लगातार बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, उसके लिए जो अगर उत्तर प्रदेश की तैयारियों की बात की जाए, उस पर किस तरीके से काम हुआ है और जिस तरीके से अभी दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें जो निर्देश जारी किए गए थे, उन निर्देशों पर किस तरीके से काम हुआ है, इन सभी चीज़ों को लेकर लगातार आज पूरी बैठक चलेगी। लंबी बैठक है जिसमें कि पूरी तरीके से अमित शाह निर्देश देने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश पे खासकर काम करना है, क्योंकि अगर दिल्ली की कुर्सी की बात की जाए तो सीधा रास्ता उसका दिल्ली उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है, और उत्तर प्रदेश में अपनी साख को मजबूत करने और अपनी जो स्थिति है उसको और मजबूत करने और अभी कितने काम हुए हैं उन सभी चीजों को टटोलने के लिए अमित शाह आज लखनऊ में रहेंगे। जी विक्रम, दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात भी सामने आ रही है, तो इस मीटिंग से क्या कुछ असर हो सकता है मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर? देखिए, जिस तरीके की अभी बातें आई हैं सामने, उसमें कहा यह जा रहा है कि आज ये बैठक पूरी तरीके से 2019 को ध्यान में रखते हुए दी गई है, मगर दबी जवान पे लगातार जगह से ये भी बातें सामने आ रही हैं कि मंत्रिमंडल को लेकर भी ये बैठक, इसलिए अहम बैठक है, किस तरीके से मंत्रियों ने अभी काम किया, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी योजनाओं को लेकर जो निर्देश दिए गए थे उन पर विभागों के मंत्रियों ने किस तरीके से काम किया है और उन पर क्या क्या फीडबैक आ रहा है जमीनी स्तर पर, उन सभी चीज़ों की पूरी आज रिपोर्ट ली जाएगी। और उसके बाद जरूर माना जा रहा है कि जिन जिन लोगों की रिपोर्ट अच्छी है, जिन जिन लोगों ने अच्छे काम किए
किए हैं उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, और वहीं जो कुछ जो लोग हैं जो लगातार पार्टी की किरकिरी करा रहे हैं और लगातार मंत्रिमंडल में बने हुए हैं फिर भी निष्क्रिय हैं, कुछ ऐसे काम नहीं कर रहे हैं जिनसे कि जो निर्देश जारी हुए हैं उससे या जनता में कोई ऐसा मैसेज जाता हो, उन सभी चीजों को लेकर आज भी चर्चा हो सकती है, और आगे कुछ नए विधायकों को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने के निर्देश या उनके नामों पर आज चर्चा की जा सकती है। जी विक्रम, जिस तरीके से SC ST Act था उसमें संशोधन के बाद से लगातार सवर्णों की नाराजगी देखने को मिली है, और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो दलितों और पिछड़ों को आगे किया जाएगा और जो अगड़े हैं उन्हें पीछे किया जाएगा, तो क्या ऐसी कोई सुगबुगाहट दिखाई दे रही है? देखिए अभी तक की ऐसी कोई बात सामने नहीं है, मगर यहाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उनको देखते हुए इस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं जिसमें कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको और ज़्यादा मौका दिया जा सकता है, मगर अभी तक की जिस तरीके से जो अभी तक जो बातें केवल सामने हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी लगातार काम कर रहे हैं और सिर्फ विकास पर अपना फोकस किए हुए हैं और जो उनके विकास के काम में उनका साथ दे रहा है और जिस तरीके से कदम मिला के चल रहा है मुख्यमंत्री जी प्रायोरिटी में वही है और वही लोग उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, लगातार उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मंत्रिमंडल का भी विस्तार करने की जो बातें आ रही हैं उसमें भी यही कहा जा रहा माना जा रहा है कि जो विकास में लगातार उनके साथ हैं, जो निर्देशों का पालन कर रहा है और जो खासकर जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं उनको आगे मौका देने की ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही हैं। चलिए विक्रम, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।